राज्य में धार्मिक स्थानों में सफाई अभियान तेज थई गयु छे। सीएम भूपेन्द्र पटेल राजकोट पहुंचा, बालाजी हनुमान मंदिर में अभियान में तेओ जोड़ावाना छे। सीएम साथे सांसद अने धारासभ्य तेमज स्थानिक आगेवानो पण उपस्थित रहेशे। बालाजी मंदिर थी सफाई अभियान नो प्रारंभ थवा जई रह्यो छे। हाल जे तस्वीर आवी रही छे ते आपने बतावी रह्या छे राजकोट थी। राजकोट में भूपेन्द्र पटेल पहुंचा छे, बालाजी हनुमान मंदिर में सफाई अभियान में जोड़ाशे। सीएम साथे सांसद अने स्थानिक धारासभ्यो पण उपस्थित छे अने स्थानिक आगेवानो अने कोर्पोरेशन ना पण आगेवानो छे। बालाजी मंदिर थी सफाई अभियान नो प्रारंभ थशे। धार्मिक स्थानों में सफाई अभियान की झूंबेश हाथ धरवामां आवी छे, जेमां सीएम भूपेन्द्र पटेल राजकोटना बालाजी हनुमान मंदिर थी आ सफाई अभियान नो प्रारंभ करावी रह्या छे। बालाजी हनुमान मंदिर में आ अभियान शुरू थशे। एटलुं ज नहीं, अन्य राज्यना आपणा राज्यना अन्य जे मंदिरो छे त्यां पण आ प्रकारे सफाई अभियान चालवानुं छे। राज्यमां धार्मिक स्थळों में सफाई अभियान चालशे। सीएम भूपेन्द्र पटेल राजकोट पहुंची गया है, जहां बालाजी हनुमान मंदिर में सफाई अभियान में तेओ सहभागी बनशे। सीएम नी साथे जे राजकोटना सांसद छे, धारासभ्यो छे, तेओ पण उपस्थित छे। बालाजी मंदिर थी सफाई अभियान नो प्रारंभ थवा जई रह्यो छे। सीएम राजकोट में अलग अलग कार्यक्रमों में हाजरी आपशे। प्रथम करण सिंहजी बालाजी मंदिरे सफाई अभियान कार्यक्रम में जोड़ाशे। बालाजी मंदिरे दर्शन करी बाद में सफाई कामदारों ने संबोधन करशे, त्यार पछी आ अभियान नो प्रारंभ करावशे। बाद में अटल बिहारी ऑडिटोरियम खाते भाजपना नेताओं अने कार्यकर्ताओं साथे पण बैठक करशे। लोकसभा नी चूंटणी ने लई वन डे वन डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आज राजकोट जिल्ला में बैठक करशे। सांजे 4 वागे इम्पीरियल होटल खाते सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम अंतर्गत तमिलना डेलिगेशन नी पण मुलाकात लेशे। यंग जी